अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, क्या हाल है अवैस भाई? आपने ये जो क़यामत की निशानियाँ अभी जो सेंड किया है, यहाँ पे एक निशानी है, क्या नाम है, 28 नंबर पे, कि इंसान के जूते ऐसे कलाम करेंगे। बाकी तो तकरीबन पूरी हो ही चुकी है, लेकिन ये जो इंसान के जूते ऐसे कलाम करेंगे, ये तो अभी देखने में कहीं भी नहीं मिली है। वालेकुम अस्सलाम, ये हैं मोहम्मद तौहा रावलपिंडी से, इन्होंने सवाल किया है। तौहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। मैंने ना जो ये आर्टिकल भेजा है आपको, इसके साथ वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, और इस आर्टिकल इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में फ़र्स्ट लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, awaisnaseer.com/ और ये पूरा माइनर साइंस, ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो इसमें ना सारे रेफरेंसेस, वीडियोस, क्लिप्स सब कुछ दिया हुआ है फुट नोट्स में। तो आपने क्योंकि स्पेसिफिक सवाल किया, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि और आप छोड़ें, ये देखें ये क्या है। Hey, this is Rossman with The Verge, and we're at South by Southwest 2013, Google's Playground. Okay, so I'm here with Kate Packer. She's part of the Talking Shoe team. Is that right? Is it Talking Shoe? Actually, calling it Talking Shoe. Yeah, exactly. Nice work. So what kind of sensors do we have in here? So in here we have a pressure sensor, an accelerometer, and a gyroscope. Got it. And this is just like, it's just for telling steps. This is Google's Talking Shoe, and this is 9 years ago. 9 years old video is uploaded on YouTube. और ये नहीं है, और पता नहीं कितनी कंपनीज बना चुकी हैं। और इसमें तो देखें, टॉकिंग कोई भी चीज़ है ना, तो वो हो चुकी है हर चीज़ में। सर्किट्स आ चुके हैं, रेस्पबेरी पाई है, कोई भी चीज़ है, स्मॉल सर्किट होता है उसके अंदर, फुल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो आप किसी भी चीज़ में लगा देते हैं। साथ में सेंसर्स होते हैं, वो इसको सेलेक्ट करने लग जाते हैं, उसको सेंस करके रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। उसके साथ आप प्रोसेसर होता है, जैसे रेस्पबेरी पाई है या इस तरह के और स्मॉल हैं, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटल है। प्रोफेशनल लेवल के जो हैं, जो प्रोडक्शन लेवल के हैं, वो तो फिर इंटीग्रेटेड सब कुछ उसके अंदर ही आ जाता है। तो एनीवेज, वो उसके अंदर आप गूगल असिस्टेंट या गूगल वॉइस असिस्टेंट या सीरी आराम से इंस्टॉल हो जाता है, या इसी तरह के वॉइस असिस्टेंट्स के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जो टेक्नोलॉजी की फील्ड से उसको पता है कि अगर आपको कोई ये मिलता है ना कि फ़लां चीज़ बात करेगी, तो वो सब बात कर चुकी हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के साथ वो लग जाता है। इवन आप कैट के अंदर वो लगा दें, बिल्ली के अंदर लगा दें, जानवर में लगा दें, किसी वो अपने आपको नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह की मिल जाएंगी, शाहीन के ऊपर उकाब के अंदर उन्होंने GPS वगैरह फिट किया और उसको ट्रैक कर रहे हैं। साथ में आप वो सेंसर्स लगा दें, वॉइस असिस्टेंस लगा दें, तो वो हर चीज़ से ही कम्युनिकेशन हो चुकी है इस वक्त। अगर आता है ना कि शेर इंसानों से बात, दरिंदे बात करेंगे, तो बात कर चुके हैं, ये हो चुका है, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन लेवल पे हुआ है, प्रोडक्शन लेवल पे नहीं भी हुआ, हर शेर नहीं भी बात करता, लेकिन ये हो चुका है। इस तरह के सेंसर्स और डिवाइसेस अवेलेबल हैं, आप फिज़िकल चीज़ में, लिविंग बींग में लगा दें, नॉन लिविंग में लगा दें, वो कम्युनिकेशन करेगी आपके साथ। पौधे में लगा दें, पौधा आपको बोल के बताएगा जी मेरी हाइट इतनी हो चुकी है, मुझे पानी की ज़रूरत है, और इतने दिनों के बाद मैं फल दूंगा, फल अच्छा होगा बुरा होगा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ना पौधे में लगा दें, आप किसी दीवार में लगा दें, दीवार आपको अपना टेम्परेचर, अब वो देखें ना, वो लगी हुई है, वो डिवाइस वो बता रही है दीवार के मेरा टेम्परेचर इतना है, वो कलाम कर रही है, वॉइस के साथ नहीं कर रही, लेकिन इसी में आप वो वॉइस लगा दें, तो मतलब ये तो इतना बच्चे बनाते हैं। अब ये वो फर्स्ट सेमेस्टर में करवाते हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, उसमें हर मतलब जानवर का कलाम करना, चीज़ों का कलाम करना, ये तो निशानी बिल्कुल पूरी हो गई है। तो जितनी मैं इसीलिए कहता हूँ हमारे, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है कि आपको जो लगा आपने पूछ लिया। मैं बाकी लोगों से भी कहता हूँ कि ये हमारी वीडियोस जो है ना, जो क़यामत की निशानियाँ पूरी हो गई हैं, छोटी निशानियाँ, और अब बड़ी निशानियों का वक्त है, यानी इमाम मेहदी, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज। तो ये जो वीडियोस है ना कि निशानियाँ पूरी हो गई हैं, ये मिलियंस ऑफ, यानी रफली 4-5 मिलियन एक दफ़ा, 2-3 मिलियन एक दफ़ा, टिकटॉक पे मिलियन एक दफ़ा, यानी कितनी होगी होंगी, तकरीबन 4-6-7, और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे लाखों में, मतलब ये अपने नहीं हम बात करें, लोग
उनको खुद करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं और हम अलाउ करते हैं कोई भी उसको रिपब्लिश डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो मैं 1 करोड़ के लगभग लोगों तक, 1 करोड़ के लगभग टाइम्स ये वीडियोस हमारी देखी जा चुकी हैं कि जिसमें यह बताया गया है कि क़यामत की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। और इस तरह जैसे आपने बताया वेरी नाइस, इसी तरह और लोग भी टाइम टू टाइम कॉन्टेक्ट करते रहते हैं कि फ़लानी हुई। लेकिन जितनी भी हम स्टडी करते हैं, जितनी भी एक्सप्लोर करते हैं, एक भी नहीं मिलती समझने में। जो पॉइंट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनके थोड़े से समझने में या फाइंड करने में मुश्किल होती है, लेकिन फाइनली जब हम उसको फिगर आउट करते हैं तो एक भी नहीं मिलती कि जो अलामत सुगरा पूरी ना हो गई। तो वो सारी पूरी हो गई, इसी तरह बाकी भी, और बल्कि जिन लोगों तक ये बात पहुँचेगी उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी जो लगता है ना वो ज़रूर आप क्वेश्चन करें। मैं हमारा नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टेक्ट करें डायरेक्टली, आपका मैसेज वॉइस नोट जो भी है वो मुझे आएगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको लगता है कि फ़लाँ निशानी पूरी नहीं हुई तो हम उसको भी रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो असल मकसद ये है कि निशानियाँ पूरी हो गई हैं तो फिर क्या करें, फिर ये करें कि जब अलामत कुबरा ज़ाहिर होने लग जाएंगी ना, इमामुल महदी के बाद दज्जाल आएगा, दज्जाल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज मौजूद, ये निशानियाँ जब हैं ज़ाहिर होने लग जाएंगी तो फिर अहादीस के मुताबिक तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। फिर किसी का जो ईमान है जो पहले था वही स्टेट रहेगा, फिर ऐसे नहीं है कि वो जो है वो कुफर में पड़ गया, अल्लाह माफ़ करे, दज्जाल के फितने में पड़ गया या अल्लाह ताला की नफरमानी में पड़ गया तो फिर अब वो तौबा करे, फिर नहीं, फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा, समझें कि फिर तो क़यामत कायम होने लग जाएगी। असल मसला ये है कि हम अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं, मान लें और अल्लाह से दुआ करें कि अलामत सुगरा पूरी हो चुकी हैं और अलामत कुबरा का वक्त है, इमाम महदी के ज़हूर का वक्त है, उनकी बैत करीब होगी यकीनन। तो या अल्लाह हमें उनके अवलीन साथियों में से शामिल फरमा और ये ना हो कि हम कहीं पीछे रह जाएं। अपनी